बातों की वैल्यू। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल का आदित्य भी रहते थे। दोनों बच्चे वैसे तो भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति बहुत ज्यादा बोलती थी। वो हर बात पर और कभी कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर भी पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अदिति बेटी, हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन वो हमेशा मम्मी से कहती कि मम्मी, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन बच्चों की बुआ उनके घर रहने आई और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। आदित्य, ये लो तुम्हारे लिए रोबोट, और अदिति, ये लो तुम्हारी गुड़िया। आदित्य ने रोबोट चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। लेकिन अदिति हमेशा की तरह बोल पड़ी, बुआ जी, आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये वाली गुड़िया तो मेरे पास है। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अदिति, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। पूछने की क्या जरूरत है, आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना, मैं अपने आप एक अच्छी सी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे खरीद लेना। ठीक है। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, अभी तो आप थके हुए हो, तो बताओ आप मुझे कब बाजार लेकर जाओगी? क्या अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी। मैं तंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन बुआ और मम्मी बात कर रहे थे। हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ आई और हमेशा की तरह बोलने लगी, नैनीताल तो हम पिछले साल ही गए थे, और उससे पिछले साल हम नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? हाँ, एक बार मैं। हम तो वहाँ हर बार गए हैं, हम तो वहाँ बहुत बार गए हैं, आप भी जरूर जाना। गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है, आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आइए दीदी, हम अंदर रसोई में चलते हैं, और उसके बाद आप नैनीताल भी जरूर जाना, आपको वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी के साथ बात कर रहे थे। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं, मुझे तो आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं ही चली आई। तभी अदिति वहाँ आई और बोली, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अदिति वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी बात करने लगे। मैंने सुना आप बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये देखकर अदिति से चुप नहीं रहा गया और वो बीच में ही बोल पड़ी, वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बुआ जी, आप तो पापा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अच्छे गिफ्ट खरीदने आते हैं। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। लेकिन पता नहीं बुआ जी मेरे लिए ही क्यों वो छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा, आपको पता है बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ और गिफ्ट ला कर दें, और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अदिति बिना वजह हर बात पर बोलती रही, आप अभी खाना खा रहे हो,
मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी, आपस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरी पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। बुआ जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। ये कहकर बुआ जी चली गई। लेकिन अदिति को बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा, मम्मी, बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी और भैया की बात झट से मान ली। मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति, इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए कहती थी। कम और मीठा बोलने से हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। इस तरह अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए, इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है।